सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नासिरुल मुल्क ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने जस्टिस नासिरुल मुल्क से हलफ लिया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब हलफ बरदारी में वजीर आजम नवाज शरीफ, तीनों मसल्ला फौज के सरबराहान और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने शिरकत की, जबकि वफाकी वजरा परवेज रशीद इसहाकदार, जायद हामिद, अब्दुल कादिर बलोच, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मौलाना फजलुर रहमान, सारिफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेज और सीनियर वकला भी तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस नासिरुल मुल्क एक साल एक माह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहदे पर काम करेंगे। वो अगस्त 2015 में रिटायर होंगे। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की रिटायरमेंट से अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 16 रह गई है, जबकि सीनियॉरिटी में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए हैं।